नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग फाइन होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है BS4 व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग में। तो दोस्तों, इसको वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं अगर आप इसको लास्ट तक देख लेंगे तो आप लोग को पूर्ण जानकारी जो है व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी कभी आप लोग लाइक करते हैं, बाद में लाइक नहीं करते हैं, उस ग्रे कलर के बटन को आप लोग जोर से दबाइए थोड़ा सा, और उसको ब्लू कर दीजिए बिल्कुल ऐसे जैसे आपने दबाया भी। थैंक यू सो मच। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले यही सी चैनल पर मिलती है। तो बेल आइकन को ऑन जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ BS4 गाड़ियों के रिगार्डिंग में जितनी भी मैंने एक सीरीज़ बनाई है, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था जब से ये रोक लगी थी, ऑब्वियस सी बात है लॉकडाउन के बाद 31 मार्च 2020 लास्ट डेट थी BS4 गाड़ियों की सेलिंग की, रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद ऑनरेबल SC ने लगातार 3 महीने 4 महीने तक सुनवाई करी सीरियल से। उसमें एक न्यूज़ निकल के आई थी कि BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, जो बाद में सेल की गई, जो पहले सेल की गई थी उनका सभी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बिल्कुल, जो 31 मार्च के पहले सेल की गई थी उनका रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन जो बाद में हुई थी उनका नहीं होगा। उसमें भी दोस्तों फिर बाद में ये टर्म्स कंडीशन लग गई कि जिनका व्हीकल का डाटा जो है वो वाहन पोर्टल, यानी कि जो वेबसाइट होती है हमारी परिवहन सेवा, उसमें वाहन सारथी पोर्टल होते हैं, तो वाहन पोर्टल पे ऑलरेडी डाटा जिसका अपलोडेड है उन्हीं गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। बाद में उसमें टैक्स का भी जिक्र आ गया कि जिनका टैक्स पेमेंट है। तो इसमें दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग बार बार कमेंट करके मुझसे पूछते हैं, चाहे मैं स्टोरी में भी कुछ पूछने के लिए आपको बोलता हूँ क्वेश्चन, या फिर आप सभी वीडियोस में कमेंट करते हैं। कुछ लोगों को तो मुझे नाम भी पता है, वो निरंतर मुझसे पूछते रहते हैं व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इवन यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट स्टेज के रजिस्ट्रेशन थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन अक्टूबर। सेकंड दौर के रजिस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताए थे वो नवंबर में स्टार्ट होने वाले थे, वो भी स्टार्ट हुए और हो भी गए हैं। बिल्कुल, इसके रिगार्डिंग में अभी RTO में कोई न्यूज नहीं है, ना तो ऊपर से कोई आदेश आया है कि रजिस्ट्रेशन करना है इन गाड़ियों का, और ना ही कोई वहाँ पर सर्कुलर आया है MoRTH के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा कोई सर्कुलर, कोई न्यूज़ नहीं है। बीच में एक सर्कुलर और न्यूज आई थी, वो मैंने आप लोगों तक साझा करी थी। अब आप लोग बताइए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। जो भी आदेश ऊपर से आता है वही काम किया जाता है, क्योंकि आप लोग पता है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो एज ए सर्वेंट होते हैं गवर्नमेंट के। तो बिल्कुल आप लोग ये जान लीजिए, कोई भी RTO किसी के हाथ में नहीं है कि वो खुद से किन्हीं BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब तक कोई आदेश ऊपर से नहीं आता है। इसके रिगार्डिंग में दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मेरे पास ऐसे, मैं आपको अगर बोले तो मैं आपको लगभग 500 ऐसे वहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है RC, मैं आपको भेज दूँ BS4 गाड़ियों की ही, जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। वो सितंबर में भी किया गए हैं, अक्टूबर में भी किए गए हैं, और नवंबर में भी किए गए हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि किसी किसी RTO DTO ऑफिसर्स में रजिस्ट्रेशन होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, तो क्यों, इसका मुझे रीज़न नहीं पता है। इवन जिस अथॉरिटी में मैं काम करता हूँ वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, अभी कोई न्यूज़ नहीं है, ना तो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और ना ही कोई ऊपर से गवर्नमेंट से आदेश आया है। अब बात करते हैं इसमें महाराष्ट्र से, मुझे कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा कमेंट मिलते हैं, झारखंड से, बिहार से, इन 3-4 स्टेट्स के मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए। UP में तो लगभग ज़्यादातर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं DTO ऑफिसेज में जहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे और हुए भी हैं। मैंने एक ग्रुप भी बनाया था, उसमें भी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स प्रोवाइड की थी, बट अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब आप लोग के पास कोई विकल्प नहीं, अगर आपके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए तो इस पर मुझे नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि मैं जो भी बात है साफ साफ आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं एज ए मिडिल मैन की तरह काम नहीं करना चाहता हूं कि आप लोगों तक झूठी खबरें पहुँचाऊँ कि रजिस्ट्रेशन होगा होगा होगा, अपनी वीडियोज़ को लाइक कमेंट्स के लिए आप लोगों को बताता रहूँ झूठी खबरें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी बात थी मैंने क्लियरली प्रीवियस वीडियोज़ में बताई हैं, और जो भी बातें अभी भी हैं वो भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, ना तो अभी कोई आदेश आया हुआ है रजिस्ट्रेशन करने का। जो भी था वो पहले के टाइम पर था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा बैन कर दिया था कि रजिस्ट्रेशन ना किया जाए। दिल्ली NCR वालों को भी रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी कि उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया, वो पेंडिंग ही है। उसमें सबसे पहले जो जजमेंट था वही सस्टेन किया जा रहा है कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों का दिल्ली NCR में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर न्यूज़ निकल के आई है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। हो सकता है बहुत से लोगों की बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे जैसा आदेश आता है, जैसे अथॉरिटी में काम होता है, जो भी वहाँ पे आप लोगों तक न्यूज़ होती है, मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो BS4 गाड़ियों की रिगार्डिंग यही न्यूज़ है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप समझ सकते हैं सीधी लाइन चली जा रही है, उसमें ना तो कोई वहाँ पे फ्लक्चुएशन है ना कुछ है। अब कब से रजिस्ट्रेशन फिर स्टार्ट होंगे, होंगे भी कि नहीं होंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं है। हाँ, एक आशा मैं आपको होप दे सकता हूँ कि आप लोगों की संख्या हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, जो भी अभी बचे हुए जिनका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। तो आप लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि मुझे ट्विटर पर अपनी समस्याओं को देकर टैग कर सकते हैं। देखिए, अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अब इसमें ट्विटर पर क्या यूज है, ट्विटर पर फॉलो करना है ये सब, इसमें आपका प्रॉफिट है। सबसे इजीली वे है ट्विटर इस टाइम पे अपनी बातों को ऊपर तक पहुंचाने का। ये ऊपर तक का मतलब है मिनिस्ट्री तक, वहाँ तक तो आप पहुँच नहीं सकते हैं। तो आपके पास जो विकल्प मौजूद है वो आपको बता रहा हूँ ईजिएस्ट वे में। तो ट्विटर पर फॉलो करिए मुझे @TechnicalAlokji के, मोर्थ इंडिया को, और अपने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को, यूपी से है तो यूपी से, झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ से भी हैं उसी अथॉरिटी को फॉलो कर लीजिए। 3 हैंडल्स को फॉलो करके अपनी समस्या 140 कैरेक्टर के वर्ड्स में लिख दीजिए ट्विटर पर, और उसको ट्वीट कर दीजिए, टैग 3 लोग को कर दीजिए आपकी समस्या का। जितने ज़्यादा आप लोग ट्वीट करेंगे BS4 गाड़ियों की रिगार्डिंग, उतनी ही ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा मिनिस्ट्री पे, तो मिनिस्ट्री भी मजबूर होगी फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए। फिलहाल अभी इस पे फुल स्टॉप लग चुका है, इस पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो बस यही थी न्यूज़। मुझे लगा कि इतने ज़्यादा कमेंट्स आप लोग करते हैं, तो आप लोगों तक जो सच्चाई है, गुड न्यूज़ है, जो भी न्यूज़ है वो मैं आपको दे दूँ। तो बस यही थी बात। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बस इतने ही वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।